जानते हैं, तो आप कैसे सहमति, किस प्रकार का वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। जो बच्चे न्यू है उनको तो पता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे है, यहाँ पे न्यू रजिस्टर में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर कुछ इस प्रकार के डैशबोर्ड आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के डैशबोर्ड खुलने के बाद उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी टास्किंग स्टार, नॉन टेक्निकल स्टार, हवलदार, सीबीआई, सीबीएन एग्जामिनेशन 2022 का, आपको यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे अप्लाई के क्लिक कर देना है। चलिए, मैं इसको अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखना, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, आपका नाम यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे वो डिटेल जो है आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी ऑटोमेटिक भर जाएगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, न्यू यूजर है। अगर आप पहले करें तो आप पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपका डिटेल जो है ऑटोमेटिक आपका भरा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पूछा है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप प्रेफरेंस क्या देना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब आपका एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, उसका प्रेफरेंस क्या है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका जो भी अच्छा है, जो जहां पे भी आप रहते हैं वो आप दे सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लखनऊ कर लिया। आपसे पूछा है सेकेंड प्रेफरेंस आप क्या दें, सेकेंड प्रेफरेंस वो रखें जो आपको, आप वहां पे जाते रहते हैं या आप मान के चलो वहां पे घूमने के लिए जाएंगे, आप एग्जाम भी दे दोगे, ऐसे मतलब कुछ भी अपने हिसाब से रेफरेंस दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा दे दिया। तीसरा मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेरठ, चलिए, ठीक है। उसके बाद मीडियम और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबी जो है यहाँ पे आप हिंदी में है, इंग्लिश में है, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप दे सकते हैं। तो मतलब किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, अगर आप हिंदी अच्छी तो हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छी तो इंग्लिश में देना चाहते हैं, असमीस अच्छी असमीस, बंगाली अच्छी तो बंगाली, गुजराती तो गुजराती, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वेरीफाई मीडियम आपको यहाँ पूछा, आप वेरीफाई दोबारा कर ली, तो वेरीफाई मैंने यहाँ पे दोबारा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, वेदर यू आर एक्स सर्विस में, अगर आप एक्स सर्विस में तो यस यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। एक्स सर्विस का मतलब जो पहले से काम कर रखे, सो सर्विंग इन आर्म फोर्स में काम करे हुए, तो ये जो न्यू यूजर है जिन्होंने गवर्नमेंट नहीं जानते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी की ही नहीं कभी, तो वो बच्चे यहाँ पे नो करेंगे, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं भरना है, कुछ भी आपको नहीं भरना है। यहाँ पे लिखा गया हैव यू ऑलरेडी पोस्टेड सिविल पोस्ट, अगर आप पहले सिविल पोस्ट में है तो ये आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका क्योंकि उस डिटेल से आपका ये भर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हाथ देने की आवश्यकता नहीं है, हटा देंगे, नीचे आ जाएंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे लिखा गया आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, आपके पास कोई भी डिसेबिलिटीज है, जस्ट एग्जाम्पल 40% अगर डिसेबिलिटी है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है 12-40% का, ठीक है। जिसमें है ब्लाइंडनेस, अगर आप ब्लाइंडनेस है, अगर आप बहुत अफेक्टेड बीए एंड और है, उसके बाद सर्वल पल्स है, आपका जो भी है इसमें से अगर आप आते हैं, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आपको यस करना, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डू यू फिजिकल लिमिटेशन ऑफ राइट एज द पारा 8.2, 8.0, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका रहेगा, सो कुछ भी आपको नहीं भरना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आता है इट डिस्क्राइब बी अरेंज एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, चलिए इसको छोड़ देंगे। वेदर सीकिंग एज रजिस्ट्रेशन, इसको भरना जरूरी, 19.1 को भरना जरूरी, जिसको भरना कंपलसरी उसमें स्टार आपका लगा हुआ रहेगा, जैसे इसमें स्टार लगा हुआ है तो उसी को ही भरी, फालतू कीजिए मत भरिए, ठीक है, टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन का मतलब अगर आप एज रिलैक्सेशन में, जैसे आप एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यू इसमें आते हैं तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं आते जनरल कैटेगरी में तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, नो किया हूं मैं। उसके बाद अगर आप यस करेंगे यहाँ पे, अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए ये ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं आता तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, तो ये ऑप्शन आपके पास बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टेट यूटी ऑफ सीसी, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट लिखे गए, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये क्या चीज होने वाली है, यहाँ पे समझिए इसको चीजों को, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट यहाँ पे दे रखे हैं इंडिया के, तो यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, ठीक है। आप स्टेट क्या दें, अब जब आप पास हो जाओगे एग्जाम, आप पास हो जाओगे तो अब आपको जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपका स्टेट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा काम आएगा। सबसे पहले आपके स्टेट कौन सा दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेट आप कौन सा दिया, तीसरे स्टेट सिलेक्ट करना है, अपने हिसाब से कोई भी प्रेफरेंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पहला प्रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे चीजें हैं जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 11 नंबर का, तो यहाँ पे मैंने 11 नंबर आप लिख दिया है, ठीक है। ऐसे प्रेफरेंस आपको, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोड सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के कोई भी कोड सिलेक्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे कोड वाइज सबको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जितना आप चाहे उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे करना चाहे सारे भी कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस आप क्या देना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता हो वो यहाँ पे दे दीजिएगा। जस्ट एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे 3-4 में करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ सके कि अपने हिसाब से कौन सा आपको देना है, इसमें बहुत सारी लिस्ट है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने कर लिया यहाँ पे, उसके बाद जैसे आप पूरा कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप आएंगे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ठीक है। तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पे लिखा, अगर आप एमसी है, एमबीए है, एलएलएम है, एमएड, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, हाईएस्ट आपने जो भी हाईएस्ट किया है, ठीक है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो
मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल की इसको सिलेक्ट कर लिया। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन, क्वालिफिकेशन आपका क्या है, 10th, तो आपको यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 10th पास की आपकी भर्ती रहने वाली है। उसके बाद स्टेटस में आपको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप पास है तो पास लिखिएगा यहाँ पे, और इसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज कर लीजिएगा, परसेंटेज आपकी जो भी परसेंटेज हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं आपको परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद डू यू वॉन्ट टू मेक अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेस जॉब, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है, इस चीज को। आगे बात करते हैं यहाँ पे, चलिए आपका यहाँ पे जो एड्रेस वगैरह है ये आपका ऑटोमेटिक भरा हुआ रहेगा। उसके बाद नीचे आना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है। उसके आपकी जो लिखा है, अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा और आप चूक जाओगे, ठीक है। अब इसका समझिएगा इस चीज को, अपलोड फोटोग्राफ विदाउट आपको ध्यान रखना है, ये जो है आफ्टर 18 अक्टूबर 2022 के बाद से होना चाहिए, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा गया, और 20 KB टू 50 KB के अराउंड आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट साइज करने आता तो आप गूगल में लिख सकते हो कि साइज रिड्यूसर। कैसे लिखोगे, ऐसे आपको टाइप करना है साइज रिड्यूसर, ठीक है। साइज रिड्यूसर जैसे लिखोगे तो ऊपर पहली पहली वेबसाइट आ जाएगी, रिसाइज साइज रिड्यूसर, इसमें आप जाके अपनी साइज को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना और लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद चूज फाइल में जाने के बाद उस फाइल को चूज कर सकते हो, जैसे मैं दिखाया, तो यहाँ पे जो भी है फाइल को चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर आपको एक ब्लैंक पेज में आपको साइन करना है, उसका भी देख सकते हैं 10 KB 20 KB अराउंड होना चाहिए, इसका भी बिल्कुल सेम रिसाइज में जाके आप इसको कर सकते हैं, चूज फाइल का ऑप्शन में चूज कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेदर योर फोटोग्राफ हैज बीन टेकन और नॉट 18 अक्टूबर, आपका जो फोटो 18 अक्टूबर के बाद का है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, इससे पहले का तो आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो फॉर्म फोटो अच्छा दीजिएगा और यहाँ पे डिटेल कंडीशन को सिलेक्ट कीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको एग्री का ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन करने के बाद अपने फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर लेना है, देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि बाद में आप दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अगर आप जनरल में हैं तो आपको 100 रुपए पेमेंट करना है, अगर आप एससी एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के, तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है फॉर्म भरने का, ठीक है। जनरल वालों के लिए थोड़ी सी है कि 100 रुपए उनको देने पड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं, एग्जाम देने के लिए इतना तो चलता ही है, आप फॉर्म लगा सकते हैं। और क्या पढ़ना है, क्या चीजें, अगले वीडियो में बात करूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं, सिलेबस लेकर आइए, कैसे स्टडी करें, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो। चलिए।